अलीगढ़ के कल्चर के खिलाफ है। तो वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू लीक द पेपर ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ₹30 का फटका, स्टेशन पे आते ही बैग सैनिटाइज करने का नया चोचला। प्लेटफॉर्म नंबर 3, यू आर ट्राइंग टू स्टील माई ट्रॉली। हाँ, टाइम फॉर अ सेकेंड जर्नी। फाइनली ट्रेन हमारी आ चुकी है। नाउ द ट्रेन हैज स्टार्टेड। पहले इस पर गद्दे भी नहीं लगी रहती थी, खाली स्टील था। अरे यार, ट्रेन चल गई, इससे बड़ी खुशी की बात है कोई? मैकडॉनल्ड आते ही नमाज का टाइम हो गया। ओ हो हो, मैं हॉस्टल में वापस आ चुका हूँ और इधर ओस गिर रही है, मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। गाइस, कल से आज तक का दिन का सारा बीच का जो काम काज किया मैंने, वो स्किप हो चुका है। आज यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं व्लॉग। हम लोग प्लान किए हुए हैं कुछ पीने का, खाना हो चुका है। क्या पीना है? क्या पीना है भाई? जब कोई जवाब ना दे आपका तो कैमरा उसकी तरफ पैन कर दो। बताओ यार, क्या पीना है? चाय पियेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर अबाउट टू हैव टी। अरे ये तो बंद हो रही है, दूसरी जगह पे जाएंगे। अंदर भी उस साइड हम लोग उस गली से जाएंगे। प्लान कैंसिल, हम लोग चाय नहीं अब दूध पियेंगे। गाड़ी वाले भैया निकल गए। शुक्रिया। दूर तो दिख ही नहीं रहा है, काला काला दिख रहा है। आई नो गाइस, इट्स अगेंस्ट अलीगढ़'स कल्चर, अलीगढ़ के कल्चर के खिलाफ है कि हम बाहर निकल के चाय पीने का सोच रहे थे और आते ही दूध पी रहे हैं। ऊपर वाला बचा है चाय के शय से। तो गाइस, दूध पी के हो चुका है। मुझे आप लोग सजेस्ट करो वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स ऐसी हों कि मुझे छोड़ के अपना हॉस्टल कहीं जाना ना पड़े। दरवाजा खोल दिया गया है। लोग इन हॉस्टल्स को देख के कहते हैं अच्छे अकोमोडेशन नहीं है। अरे तो भाई, तुमको VIP कमरे चाहिए क्या? लॉन्ज में तुमको रखेंगे क्या? फाइव स्टार होटल में पढ़ने आओ या क्या करने आओ? जो लोग ऐसा कमेंट करें उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। बेवकूफ लोग होते हैं। सारे नोट्स ये अच्छा, ये क्यों लगा रहे तुमने? पेपर से कमर इसको ढका हुआ है ताकि रिफ्लेक्शन बाहर ना निकले, ताकि चेहरे पे ना। ओफ, इसे कहते हैं जुगाड़। अगर ऐसे इस पे चेहरे पे अपने पैन कर लूं। हाउ आई एम लुकिंग, एस्थेटिक फोटो आ रहा है। Now it's time to leak the paper of Hyderabad University. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था यही मैंने छोड़ दिया। What does the following sentence mean? He visits the dean of and on. अच्छा, पहले के ना अब 10 या 20 क्वेश्चन जो शुरू के थे वो आसान थे, थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड थे। बाद के जो क्वेश्चन थे वो टफ थे। In 1846 a writer started the London newspaper. Who was the writer? इसका क्या था? चार्ल्स डिकेंस। मैंने छोड़ दिया, मैंने चार्ल्स डिकेंस को छोड़ दिया। कल रात जो मेरे साथ हुआ है, मतलब कि हम लोग गए थे चाय पीने के लिए और आखिरी में एट द एंड हम लोग दूध पी कर आ गए, उससे मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई आज सुबह जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, ये चीज़ मिल जाएगी, फिर आगे ये करेंगे, बट असल में वो होता नहीं जैसे मेरे साथ कल रात में हुआ। फायदा एट द एंड ऑफ द डे हमारा ही होता उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज से 3 साल पहले ले लें, जब मेरा 12th कम्प्लीट हो गया था तो मुझे बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना था, मगर मुझे करना था मास कम्युनिकेशन। BA इन मास कम्युनिकेशन बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में होता है या बहुत कम ही कॉलेजेस में होता है। मैंने डून बिजनेस स्कूल एक देखा, देहरादून में बेस्ड है, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। असल में मुझे थिएटर, एक्टिंग स्कूल, इन्हीं सब में इंटरेस्ट था पहले। मेरे घर वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब इसी यूनिवर्सिटी को चाहते थे कि मैं इसमें जाकर पढ़ूँ, मगर मेरा बिल्कुल नहीं मन था यहाँ पर आने का, यहाँ पर पढ़ाई करने का। तो मैंने फिर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया मेरा। मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग का लेटर भी आ गया। फिर जैसे ही मैं आने वाला था ना, उसके दूसरे दिन खबर आती है, मेरी अपनी फ़ोन करके बताती कि तुम्हारा AMU में नाम आ चुका है। मैंने एंट्रेंस दिया हुआ था, मेरा वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कहें मुझे अलीगढ़ जाना पड़ेगा, मैं यहाँ चाहता नहीं था। फिर भी मन को दबाकर मुझे आना पड़ा, क्योंकि अम्मी को भी यही पसंद था, घर वाले सारे इसी के फेवर में थे कि मैं AMU में जाऊं, और मैं आ गया। एक साल बाद जब मुझे चेंजेस आए, मुझे AMU भी बेहतर लगने लगा। मैं DBS में ना जाना उसको मैं कभी रिग्रेट नहीं किया, बल्कि AMU में ना आता अगर मैं तो रिग्रेट करता। तो वही जो चीज हम सोचते हैं उसके उलट जब हो जाती, वो अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, तो वो बेस्ट प्लान बनाता है हमारे लिए, हमें पता ही नहीं चलता है। वो तो अभी मुझे रियलाइज हो गया, कुछ लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि जो उनके साथ हुआ था बेहतर के लिए हुआ। उस वक्त तक भरोसा रखना चाहिए ऊपर वाले पे कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, और उसका एंड रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे
चिड़िया कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है। अच्छा, ये स्टोरी मैंने आपके साथ एक रीजन की वजह से शेयर किया हुआ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो कि आप लोगों ने एंट्रेंस दिया हुआ था और आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ, एमयू में आपका एडमिशन हुआ नहीं, या किसी भी कॉलेज में। बस इसी स्टोरी से रिलेट कर लो और सोच लो कि आगे जहाँ जाओगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ अभी छूट गया है उससे। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जो नंबर्स मांगते हो या मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगते हो, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मैंने नहीं मेरे दोस्त ने बना दिया है और वो मेरा ही है। उस पर बहुत सारे लोग ऐड हैं अभी और धीरे धीरे आप लोग आएंगे तो और लोग बढ़ते रहेंगे। उसमें ज़्यादातर एमयू के स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरीज अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आप कर सकते हो। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन करो उस टेलीग्राम ग्रुप को और जो कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, जो कोई भी डाउट्स हैं उसको जाके आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।